हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बेसन के लड्डू, जो कि बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं 2 कप बेसन। 2 कप बेसन है तो उसमें 1 कप हम डालेंगे चीनी, जो कि मैंने पीस के रखी हुई है पहले से ही। साथ में इसमें जाएगा 5 से 6 चम्मच देसी घी, कुछ इलायची के दाने, आप इसको क्रश करके पाउडर कर लो। साथ में 1/2 कप सूजी लगेगा और 18 से 20 बादाम के पीस। तो ये अभी मैंने कढ़ाई ले ली, इसमें हम डालेंगे देसी घी जो मैंने 5 से 6 चम्मच लिया हुआ है। इस देसी घी के अंदर हम लोग बेसन को थोड़ा सा भूनेंगे, हम लोग कलर चेंज, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा ताकि उसका कच्चापन नहीं रहे। ये आप दोनों कप्स डाल दीजिए। तो मैंने कप्स का हिसाब आपको बताया है, 2 कप बेसन को आप भून रहे हैं, साथ में 1/2 कप आपकी इसमें सूजी जाएगी। तो ये देखिए इसके लम्स नहीं रहे हैं, बिल्कुल भून लिया है मैंने इसको। ये देखिए बहुत अच्छे से ये कलर चेंज हो गया, इसका थोड़ा ब्राउनिश में आ गया है कलर इसका। अब हम इसमें एक क्रश किए हुए बादाम डाल देंगे, मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था इनको, आप भी काट लीजिए। और इसको भी थोड़ा सा, अब इसके साथ ही हम थोड़ा 2-3 मिनट बादाम के, ताकि बादाम भी थोड़े से भून जाएंगे। तो जब ये हमारा अच्छे से भून जाएगा तो हम इसको कढ़ाई को खाली कर देंगे सूजी के लिए। अब आप कढ़ाई में सूजी डाल दीजिए और ऑयल नहीं डालना, इसको भूनना है थोड़ा ब्राउन होने तक, बिना ऑयल के ही भूनना है। जब ये भून जाएगा तो आप अपने जो मिक्सचर बनाया है उसमें आप इसको ऐड कर देना। उसी कढ़ाई में भून रही हूँ मैं, थोड़ा ब्राउन होने दीजिए बस। ये देख सकते हैं अब आपकी सूजी ब्राउन हो गई है। अब जो आपने मिक्सचर ये बनाया है उसमें डाल दीजिए, गैस ऑन नहीं करनी है, मिक्सचर गर्म है, सूजी भी गर्म है। और इसके बाद हम इसमें चीनी का जो बूरा किया है उसको डाल देंगे। ये हमने अब इसमें डाल दिया है, देख सकते हो आप। अब इसमें हम ये बूरा किया हुआ जो चीनी का पाउडर है वो हम इसमें डाल देंगे। गैस ऑन नहीं करनी, अब हम बिना गैस के काम कर रहे हैं, बिल्कुल गैस ऑन नहीं करनी। और इलायची पाउडर भी हमने जो रखा था बना के, वो भी आप इसमें डाल दो। ये आप देख सकते हो मैंने अब इसको यहाँ पे रख दिया प्लेटफॉर्म पे। अब हम इसको हम अच्छे से थोड़ा मिक्स कर देंगे। अभी हमारा मिश्रण जो हमने बनाया है बहुत गर्म है, तो ये जो पाउडर किया हुआ चीनी है अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अच्छे से उसको साथ में मिक्स कर दो, और इसके बाद हम जब हाथ में पकड़ने लायक हो जाएगा तो हम उसको छोटे छोटे से लड्डू बना लेंगे। ये मेरा थोड़ा सा कटोरी में जो घी रखा हुआ था ये मैं वापस इसमें डाल रही हूँ, जो बच गया था 1-1.5 चम्मच। अब इससे मैं थोड़ा और हाथ में चिकनाहट करके अच्छे से लड्डू बना लूँगी। आप चाहिए तो और भी डाल सकते हैं, मीठा आप अपने हिसाब से रखो, कोई कम तेज़ करता है, मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ, आप चाहे तो तेज़ भी कर सकते हो। ये देखिए अब मैं लड्डू बनाना शुरू कर रही हूँ, अभी मैं पकड़ सकती हूँ उसको अच्छे से। बहुत ठंडा नहीं रखना है, पर थोड़ा तो गर्म चाहिए लेकिन पकड़ने लायक हो। और अगर आपको थोड़ा सूखा लगे तो आप थोड़ा और घी इसमें हाथ में लेके आप बना सकती हो। तो ऐसे आप लड्डू बना लो सारे। आप देख सकते हैं अब मेरे ये लड्डू बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसको कभी भी खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।